हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं आप बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन भी करना चाहती थी एंड ये क्वेश्चन मुझे बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, क्या बेस्ट वे है विजुलाइज करने का जो डेफिनेटली हमारे लिए काम करे, एंड हमें विजुलाइजेशन बेसिकली कितनी देर तक करना चाहिए, एंड क्या स्पेसिफिकली सही तरीका है कुछ भी चीज़ को विजुलाइज करने का। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो, एनर्जी वर्क में हो, आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा, आपको विजुलाइज करनी है चीज़ें जैसे कि वो चीज़ वाकई में हो रही है। ठीक है, अब काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही तरीका है उस चीज़ को विजुलाइज करने का, किस तरीके से हम उस पैसे विजुलाइज करें कि जो भी हम चीज़ चाहते हैं वो चीज़ ज़रूर हो, ज़रूर वो चीज़ रियलिटी में क्रिएट हो। अपने माइंड की शक्ति से हम उस चीज़ को कैसे क्रिएट करें। ठीक है, सो द राइट वे टू विजुलाइज एंड उसे कितनी देर तक हमने करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आया था। पहली चीज़ तो देर इज़ एक्चुअली नो राइट और रॉन्ग वे टू विजुलाइज, सबका अपना अपना पर्सनल तरीका होता है। बट अगर हम इस चीज़ को एक इन जनरल देखें, सबसे पहले एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, आप डेली बेसिस पे अपने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। ठीक है, मेडिटेशन करने से बेसिकली क्या होगा, आपके धीरे धीरे एक तो यू नो आपकी एनर्जीज बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्पेशली चक्रा बैलेंसिंग करो, देर आर सो मैनी मेडिटेशंस ऑन चक्रा बैलेंसिंग एंड वाई सो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे को इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आपके फालतू के माइंड के थॉट शांत होंगे, एट द सेम टाइम आपका जो थर्ड आई है, पीनियल ग्लैंड है, वो चीज़ एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेवन चक्रा मेडिटेट आप करना स्टार्ट करो। सो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देर तक मेडिटेशन में बैठना सीखो। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होगा, शुरुआत के 15 दिन तो बिलीव मी हॉरेबल होते हैं एंड आपके माइंड में हर एक वो थॉट आएगा जो आप शायद कभी आपने पता नहीं कब से नहीं सोचा होगा। तो आप हर एक टाइप के थॉट्स का एक्सपीरियंस करोगे उस टाइम पे एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बट आपको इस प्रोसेस में गिव अप नहीं करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं सबसे पहली टिप दूंगी, मेडिटेट करना स्टार्ट करो एंड मेडिटेशन का टाइम आप इनहेंस करना स्टार्ट करो। धीरे 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 आप 30 मिनट्स तक लेके जाओ, फिर उसको एक घंटा करो। बिलीव मी स्टार्टिंग में बहुत इंपॉसिबल लगेगा, बट ये चीज़ें धीरे 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 होंगी। सो बेसिकली अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए रेडी करना स्टार्ट करो, फर्स्ट थिंग तो मैं ये बोलूँगी। इससे आपको आपकी विजुलाइजेशन में हेल्प होगी। ठीक है, आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट होगी, आपके सारे चक्रास भी बैलेंस होंगे, एक साथ सब तरीके से काम करेगा। तो आप एक चीज़ ये फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अब सेकेंड चीज़ ये आती है कि हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, माइंड पिक्चर्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग अंदर से चाहते नहीं है कि वो चीज़ करें, कई बार ऐसा होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। सो सपोज़ कोई इमेज आपके माइंड में है, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई कॉफ़ी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। सपोज़ आप गूगल पे जाओ, पिंट्रस्ट मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वहाँ बहुत अमेजिंग अमेजिंग पिक्चर्स मिल जाती हैं। जिस टाइप की चीज़ है, जिस टाइप की कॉफ़ी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसकी पिक्चर निकालो, उसको देखो, उसे गेज करो। ठीक है, आइज क्लोज करो एंड उस पिक्चर को अपने माइंड में क्रिएट करना स्टार्ट करो। बेसिकली एक्सरसाइज की तरह आप इस चीज़ को देखना स्टार्ट करो। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज आप एक और कर सकते हो, जो भी आप अपने दिन भर में एक्टिविटीज़ करते हो, आप कहीं जाते हो, आप कुछ भी काम करते हो, आप जब डे के एंड में अपने बेड पे जाते हो या फिर आप नॉर्मल अपने घर में डे के एंड में बैठते हो, जस्ट उसको आँखें बंद करके उसको सोचो कि आपने दिन में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करी हैं, क्या क्या काम आपने किए हैं, कहाँ कहाँ आप गए हो, उस चीज़ को अपने माइंड में क्रिएट करना स्टार्ट करो, उस पिक्चर को फिर से रिक्रिएट करो। सो ये भी आपको विजुलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, आप बहुत मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, कोई भी चीज़ के बारे में, सपोज़ आप यू नो कहीं जाना चाहते हो तो उसकी पिक्चर्स को आप यू नो इंटरनेट पर देखो, इंटरनेट से निकालो, उसके बाद उसको अपने माइंड में क्रिएट करो, उसको देखो, स्टेयर करो, उसके बाद आइज क्लोज करके वापस से उसको रिक्रिएट करो। इस तरीके से आपकी विजुलाइजेशन की जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब एक और चीज़, एक और क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि मुझे स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो, एंड मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि मैं किस तरीके से, किस फॉर्मेट में उसको सोचूं, क्या स्टोरी स्पेसिफिकली मैं बनाऊं। सो इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, हालांकि आपके माइंड में एक गोल है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी कि यू हैव दैट फाइनल आउटकम पिक्चर, कैसे किस स्टोरी की तरीके से आपको वो मिली वो आपके माइंड में अभी क्लियर नहीं है। शांत बैठो कहीं भी अपने रूम में, जो भी जहाँ भी आप काम करते हो अपना, एंड एक स्टोरी क्रिएट करो, लिखना स्टार्ट करो, यानी कि स्क्रिप्टिंग करनी स्टार्ट करो, जो भी आपको इंट्यूटिवली आता है स्टार्ट राइटिंग इट।
ठीक है, कि मैं सपोज कहीं गया था एंड सपोज आप कोई ड्रेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो आप इस तरीके से स्टोरी को ले सकते हो कि मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट गई थी एंड मार्केट में सो एंड सो शॉप आई, टर्न लिया एंड जैसे मैं टर्न लिया देखा मेरी ड्रीम ड्रेस वहाँ पे थी एंड वो ड्रेस कुछ इस तरीके से दिखती थी एंड मैंने बार्गेनिंग करी या फिर मुझे इतने प्राइस में वो ड्रेस मिल गई या फिर मैं ऑनलाइन चेकआउट कर रही थी, आप किस तरीके से आप अपने तरीके से उस स्टोरी को मोड़ दे सकते हो, ठीक है? तो स्क्रिप्टिंग करके आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से इस बात को सोचना है, ठीक है? आप एक इस तरीके से भी इस चीज़ पे काम कर सकते हो। अब एक सवाल आता है, कितनी देर तक हमको विजुलाइजेशन करना चाहिए? बेसिकली देर आर सो मैनी रूल्स, 17 सेकेंड्स रूल हो गया, 68 सेकेंड्स रूल हो गया, ये रूल्स काम करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी काम नहीं करते हैं, बट इन जनरल अगर आप बिगनर हो तो आप 17 सेकेंड्स तक विजुलाइज करो, लेट गो कर दो, 68 सेकेंड्स तक करो उसको लेट गो कर दो, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट कि उस इमेज में एक यू नो एनर्जी जाए, तो आपने उस स्पेसिफिक थॉट पे, उस स्पेसिफिक पिक्चर पे, उसको अपने माइंड में आपने क्रिएट करना है, कम से कम आप 10-15 मिनट्स का यू नो एक अलार्म सेट कर लो एंड अपने आप को बिठा के रखो उस जगह पे कि मुझे इतनी देर तक इस इमेज को विजुलाइज करना है, इस पिक्चर को अपने माइंड में घुमाना है, लूप पे आप उसे घुमाते रहें, ठीक है? सो मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बोला था कि आप मेडिटेट करना स्टार्ट करो फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैंने क्यों बोला था? बिकॉज आप जितनी देर तक काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट में जाके उस चीज़ पे फोकस करोगे, विजुलाइज करते रहोगे, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। तो दैट इज़ वाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 68 सेकेंड्स एंड 17 सेकेंड्स रूल काम नहीं करते हैं, फॉर श्योर काम करते हैं, बट मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट थिंग्स टू हैपन, लाइक जल्दी चीज़ें आपको करवानी है, आप लॉन्गर टाइम के लिए उस चीज़ पे मेडिटेट करना स्टार्ट करो, लॉन्गर टाइम के लिए आप उस पे विजुलाइजेशन करना स्टार्ट करो, दिस विल रियली हेल्प यू। अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहती हूँ, अपनी फाइव सेंसेस को उस काइंड ऑफ उस पिक्चर में ऐड करना स्टार्ट करो। फाइव सेंसेस क्या होती हैं? देखना, सुनना, कुछ खाने की चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको देखो, उसके बारे में उसका नाम सुनो कि कोई पर्सन आपको वो चीज़ लेके आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं पिज्ज़ा तुम्हारे लिए लेकर आया, सपोज आप सुन रहे हो उस चीज़ को, स्मेल आप उस तरीके से उसको पिक्चर में ऐसे क्रिएट करो कि वो स्मेलिंग इट, वो बहुत डिलीशियस स्मेल कर रहा है, टंग आपने उसको अपने हाथों से टच करके अपने यू नो टंग पे रखा एंड वो कितना डिलीशियस है, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपने फाइव सेंसेस को अपनी विजुलाइजेशन में इंक्लूड कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे यही है कि आप जितनी देर तक उस चीज़ पे फोकस करते रहोगे, ठीक है, वो उतनी ही जल्दी आपको मैनिफेस्ट होके मिलेगा। एंड सपोज करो एक और चीज़ मैं आप बताना चाहती हूँ, मेडिटेटिव स्टेट में जाके जब आप यू नो प्रॉपर थीटा स्टेट में होते हो, अगर आप उस टाइम पे कोई भी चीज़ को सोचते हो, किसी भी चीज़ पे फोकस करते हो, वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, बिकॉज उस टाइम पे आप डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रहे होते हो। मैंने प्रॉपर एक थीटा मेडिटेशन के ऊपर वीडियो दिया हुआ है, आप चाहो तो यूट्यूब पे उसको सर्च कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प होगी। थीटा स्टेट में जाके प्रॉपरली उस चीज़ को सोचना, उस पर फोकस करना, इट विल रियली हेल्प यू। हालांकि ऐसे मेरे चैनल पे बहुत सारे बिगनर लोग हैं जो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई मैं बहुत सारे स्विच वर्ड्स एंड मंत्रास एंड टिप्स बताती रहती हूँ, बट ये जो आज की टिप मैंने बताई है, लाइक फोकस करो थोड़े लंबे टाइम के लिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स लेके जाओ, 45 मिनट्स लेके जाओ, 1 घंटा लेके जाओ, बट बिलीव मी अगर आप इतना मेहनत करते हो चीज़ें फॉर श्योर होंगी, ठीक है? आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे, डिसएग्री करेंगे कि नहीं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फन होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सो डेफिनेटली येस, अगर आपको लगता है कि आप इतने लंबे टाइम तक नहीं कर पा रहे हो, इट्स फाइन, आप 10-15 मिनट्स एटलीस्ट कर ही सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, साथ में आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस भी होगी, एट द सेम टाइम आपका फोकस भी इंक्रीज होगा एंड बिलीव में आपका माइंड भी शांत होगा एंड आप अपनी डे टू डे लाइफ में बेहतर तरीके से सोच पाओगे चीज़ों को, बिलीव मी। सो आपका कनेक्शन डिवाइन से बनेगा ही बनेगा उस चीज़ में। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लिमिटेड इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट हाँ विजुलाइजेशन मेडिटेशन में जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है एंड जितनी देर तक आप उस मेडिटेशन में जाके उस चीज़ पे फोकस करते रहोगे, एनर्जी वहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो अगर आप बिगनर नहीं हो एंड अगर आप इतना मेहनत करने को रेडी हो, तो मैं सच में ये चीज़ बोल रही हूँ, आप इस चीज़ को ट्राई करो एंड आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है? एंड अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन स्टोरी है तो आप उसे यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय, थैंक यू सो मच।